सभी को नमस्ते। आज मैं कुछ कच्चा आम जो है मेरे बाग के कुछ आम निकले हैं, लास्ट टाइम मैंने उसके कुछ रेसिपीज़ बनाई थी जिसमें मैंने शरबत बनाया था कच्चे आम का, कच्चा शरबत पन्ह जिसको हम लोग कहते हैं। बाद में कुछ अचार बनाया था मैंने, ताज़ा अचार। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ कच्चे आम का जैम, मार्केट जैसा ही बिल्कुल। आप कच्चे आम का जैम बनाने के लिए भी जो कच्चे आम यूज़ करेंगे, कोशिश करिए वो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हो, ताकि अच्छा आप उसका पल्प निकल पाएगा और अच्छे से आप उसको बना पाएंगे। उसके लिए चीज़ें आपको क्या क्या लेनी है, सबसे पहले वो है कच्चा आम। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ये लिया है 750 ग्राम कच्चे आम। कच्चे आम को अच्छे से धो लो, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के बड़े भगोने में कच्चे आम को डालकर आपको प्रेशर कुकर में प्रेशर कुक करना है 3 से 4 सीटियों में, या अच्छे से वो गल जाए, पूरा गुदा उसका निकल आए। इस हिसाब से भगोने के अंदर आपको पानी नहीं डालना है, आपको कुकर के अंदर पानी डालना है। अच्छे से इसको पका लो, पकने के बाद इसका पूरा ऊपर का छिलका जो है उसको निकाल के उसका गुदा तैयार कर लीजिए, तो यह ऐसा पल्प आपको मिलेगा। इस पल्प को आप छाननी से छान लीजिए, छलनी से, ताकि अच्छे से बिल्कुल पेस्ट आपको मिलेगी। ये पेस्ट जो है ये बिल्कुल ही आपको एकदम ही सॉफ्ट चाहिए, ऐसी जैसी दिख रही है फिलहाल, बिल्कुल ही सॉफ्ट। जितना पल्प है यानी 750 ग्राम पल्प है, तो उसी मात्रा में आपको चीनी भी लेनी है, बल्कि उसके उससे थोड़ा ज़्यादा। फिलहाल मैंने यहाँ 750 ग्राम पल्प के लिए 850 ग्राम चीनी ली है, यानी लगभग 100 ग्राम ज़्यादा, ठीक है ना। 1 किलो अगर पल्प है तो 1 किलो के लिए आप लगभग 1100 से 1200 ग्राम ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिए। फिलहाल मैंने 850 ग्राम चीनी, 750 ग्राम कच्चे आम का पल्प, पकाया हुआ पल्प यानी प्रेशर कुक से पकाया हुआ पल्प। बाद में यह है सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड आपको डालना ज़रूरी है इसमें। साइट्रिक एसिड जैम में दोबारा चीनी को पिघलने के बाद दोबारा चीनी होने से बचाएगा, यानी क्रिस्टल्स नहीं आने देगा वो, इसलिए साइट्रिक एसिड आपको डालना है। सिट्रिक एसिड यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून, ये चाय का चम्मच आप लोगों ने देखे होंगे, तो इसी चाय के चम्मच से मैंने ये लिया है 1.5 टीस्पून। आपको ये टार्ट्री यानी सिट्रिक एसिड आपको यूज़ करना है। इसके बाद मार्केट जैसा आने के लिए टेक्स्चर उसका, मार्केट का आपने देखा होगा बिल्कुल स्लाइस में आता है, स्लाइस जैसे वो होता है सेट होने के बाद, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है पेक्टिन पाउडर। और ये है पेक्टिन पाउडर, पेक्टिन पाउडर मार्केट में मिलती है, ये मैंने यूज़ किया है 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। बाद में ये मैंने यूज़ किया है नमक, नमक स्वाद अनुसार आपको थोड़ा सा उसमें डालना है, ज़रूरी है डालना। ये कितना आप यूज़ करेंगे, 1/2 चाय का चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। बाद में ये थोड़ा सा मैंने लिया है मैंगो येलो कलर, यानी आम का पीला रंग जो है वो उसका थोड़ा सा यूज़ करने वाले, बिकॉज फ़िलहाल ये जो हम बना रहे हैं वो कच्चे आम का है, पके हुए आम का है तो उसमें आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं, बट कच्चे आम का है इसलिए इसमें मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ पीला रंग। और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर यानी इसेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये है मैंगो फ्लेवर, ये भी मैंने लिया है 1/2 से 1 टीस्पून। फ़िलहाल तो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और अगर लगे तो थोड़ा सा और कुछ ड्रॉप्स आप डाल सकते हो उसमें। आपको करना क्या है, बहुत आसान, चीनी जो आप लेंगे तो ये चीनी में से लगभग 1/2 कटोरी चीनी में आप साइट्रिक एसिड जो, सॉरी, 1/2 कप चीनी जब आप लेंगे तो 1/2 कप चीनी में
आपको पेक्टिन पाउडर को मिलाकर मिक्स कर देना है, कितने आधा कप चीनी में। आपको एक कटोरी में लगभग आधा कप चीनी लेनी है। चीनी लेते समय बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, ज़रा सा आपको चीनी लेना है और चीनी के अंदर आपको पेक्टिन पाउडर को मिला देना है। अच्छे से दोनों को एक साथ मिला दो। इसी में आप चाहे तो साइट्रिक एसिड को भी डाल दीजिए, यह है साइट्रिक एसिड। तीनों चीज़ों को मिलाकर इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, उसी में आप चाहे तो लगभग आधा टीस्पून, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। चारों चीज़ों को एक साथ मिलाकर चम्मच से उसको मिक्स कर दीजिए। ये इस तरह से पूरी तरह से ये मिलाने के बाद, चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, ये पूरी की पूरे चीनी को आप, जो हमने चीनी ली है जैम बनाने के लिए, उसी चीनी में हम उसको पूरी तरह से मिला देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि इसमें जो हमने पेक्टिन पाउडर मिक्स किया है तो उसकी गुठलियाँ नहीं हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पेक्टिन पाउडर अलग से अगर आप डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ हो जाती है, वो नहीं हो। इसीलिए इस तरह से आप चीनी के अंदर उसको सारी चीज़ों को मिला दो और डायरेक्टली इसको पल्प के साथ एक साथ मिला कर दोनों चीज़ों को किसी भी अच्छे भगोने में, मोटे तले वाले भगोने में आपको इसको पकाना है। इसी में आपको पल्प भी पूरी तरह से मिला देना है और पल्प, चीनी, पेक्टिन, नमक, साइट्रिक एसिड, फ्लेवर और कलर सभी को एक साथ आपको पकाने के लिए रख देना है। पल्प, चीनी अब इसमें आप लोग डाल देंगे, मैंगो का फ्लेवर। फिलहाल ये मैंगो का फ्लेवर आधा टीस्पून हमने यूज़ किया है और ये इसीलिए डाला है बिकॉज ये कच्चा आम है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता। अगर डायरेक्टली पका हुआ आम आप यूज़ करेंगे तो फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं और रंग भी डालने की उसमें ज़रूरत नहीं। फिलहाल इसमें दोनों चीज़ें हमने डाली है और अब इसको हम पकाएंगे। जैम धीमे धीमे आँच पे आपको पकाना है और धीरे धीरे ही उसको पकाते रहना है। अब जब जैम होने लगे तो आप खुद देख पाएंगे कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा वो, और ये इसकी तार जो है ये बिल्कुल ही आपको गाढ़ी दिखने लगेगी, जिससे आपको तुरंत पता चलता है। और दूसरा तरीका होता है कि बर्फ़ वाले पानी में एक दो बूंदे जैम के डाल के देखिए। बर्फ़ वाले पानी में जब आप जैम डालेंगे, एक बूंद डाल के देखेंगे, तो जैम जो है बिल्कुल एक ही जगह पे वैसे के वैसे वो बैठ जाना है, वो ज़रा भी मिक्स नहीं होना है पानी में। अगर उस तरह से दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका जैम जो है वो तैयार हो गया है। अगर आप ये देखेंगे तुरंत आप देख पाएंगे कि ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बॉल जैसे ये दिख रहा है आपको, जो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, जो आपको बताएगा कि जैम जो है वो बिल्कुल हो गया है। अब गैस को बंद कर दीजिए। जैम हुआ है कि नहीं ये ऐसे ही बिल्कुल आप देख सकते हैं। जैसे ही आप जैम के ड्रॉप को बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे तो ऐसे डालने के बाद एक तो वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, फैलेगा नहीं वो बिल्कुल ही पानी के अंदर, और दूसरी बात अगर इसको आप निकाल कर देखेंगे तो ये बिल्कुल आप इस तरह से इसको निकाल कर देख सकते हैं, जो आपको बताएगा कि जैम बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। ये ऐसा पूरा जैम होने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप किसी भी कांच वाले शीशी के बोतल में, कांच की बोतल में इसको आप रख दीजिए, बिल्कुल सेट हो जाएगा। एंड 12 घंटे बाद अगर आप जैम को देखेंगे तो बिल्कुल स्लाइस आपको मिलेगी बाजार जैसी। ये बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएगा एग्जैक्टली 2 घंटे बाद।
और एक दिन में पूरा स्लाइस हो जाए इतना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। ज़रूर बना के देखिए। हैप्पी कुकिंग।